क्या आपको पता नहीं कि आज शाबान का दिन है? आज पहली शाबान है। शाबान के दिन शैतान अपने चेलों को कहता है कि हर तरफ फैल जाओ और इन मलाइका को अपनी तरफ बुलाओ, जबकि अल्लाह ताला मलाइका को हर तरफ फैला देता है और कहता है कि मेरे बंदों को मेरी तरफ बुलाओ। और तो और पहली शाबान के दिन जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और शजरे तूबा को हुक्म होता है कि जमीन अपनी शाखें जमीन की तरफ लेके जाओ, और जो पहली शाबान के दिन नेकी करके इनसे लिपट गया वो जन्नत में आएगा। जैसे आपने क्या नेकी की? अपने वालिदैन को मुस्कुरा के देखा, या नमाज पढ़ी, रोजा रखा, तिलावत कुरान करी, और अगर आपने पहली शाबान के दिन कोई भी बुरा काम किया तो आप शजरे जरखूम की शाख से लिपट जाएंगे। शजरे जरखूम जहन्नुम का एक दरख्त है जिसकी शाखें पहली शाबान के दिन जमीन की तरफ आती हैं, और जिसने भी पहली शाबान के दिन कोई भी बुरा काम किया वो इन शाखों से लिपट जाएगा और फिर वो जहन्नुम में जाएगा। जैसे आपने कौन सा बुरा काम किया? आपने गाना गाया, या आपने गाना सुना भी, या आपने अपने वालिदैन की नाफरमानी की, या आपने झूठ बोला, तो आप शजरे जरखूम की शाख से लिपट जाएंगे। तो हमें चाहिए पहली शाबान के दिन नेक अमाल करें ताकि आप शजरे तौबा की शाख से लिपट जाएं और जन्नत में आए, और हमें बुरे कामों से परहेज करना चाहिए ताकि हम शजरे जरखूम की शाख से ना लिपटे और जहन्नुम में ना जाएं। मैं तो वही नमाज पढ़ूंगा, मैं तो रोजा रखूंगा, मैं तो लोगों के इफ्तार कराऊंगा, मैं तो बीमार की इबादत करूंगा, मैं तो कुरान पढ़ूंगा। अल्लाह हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।